हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एंड अबाउट द $1 बिलियन सपोर्ट दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देयर इज अ पैसेज व्हिच इज गिवन। सो नाउ लेट अस फर्स्ट रीड आउट द पैसेज। फॉर सीनियर सिटीजन्स लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम, सेफ्टी एंड रीजनेबल रिटर्न्स, देयर इज नाउ अ फ्रेश चांस टू इन्वेस्ट इन द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। It has been launched with modified rate of pension for citizens aged 60 years and above. The scheme was to be discontinued in March this year but has just been extended to Dash. Alright. So now let us first discuss about the extension of the scheme and also we will discuss about the scheme jo ki originally launched ki gayi thi and then we will do these three questions. Okay. So the Union Cabinet has extended Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana for a period of 3 years till March 2023. Alright. Is scheme ko end hona tha 31 मार्च 2020 को, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल मार्च 2023 एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड टू इनेबल ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी फॉर सीनियर सिटीजंस व्हिच विल प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द फ्यूचर फॉल इन देयर इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस। ऑलराइट, अनसर्टेन मार्केट कंडीशन की वजह से जो इंटरेस्ट इनकम में गिरावट आ सकती है इन फ्यूचर, उससे बचाने के लिए सीनियर सिटीजंस को यह स्कीम लाई गई थी इन द ईयर 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, and now what are the key provisions in the expanded scheme? So earlier the rate of return, guys, was 8%, but now the rate of return has been decreased to 7.4% per annum for the financial year 2020-21, and thereafter this rate of interest will be reset every year in line with the senior citizen savings scheme. All right, 2020-21 ke liye jo rate of return hoga that will be 7.4%, uske baad हर साल इसको रीसेट किया जाएगा इन लाइन विद द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एंड ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है इट इज रन बाय इंडिया पोस्ट और वी कैन से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और ये एक सेविंग स्कीम है जैसे और भी आपने सुनी होगी लाइक पीपीएफ होता है, किसान विकास पत्र होता है, तो इस तरीके की एक सेविंग स्कीम होती है जो कि इंडिया पोस्ट चलाती है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हम कह सकते हैं वो चलाती है। अभी जो है इंडिया पोस्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 7.4% का रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, दैट इज वाई जो हमारे ये स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसमें गवर्नमेंट ने 7.4% पर एनम का रेट डिसाइड किया है, दैट इज ऑल्सो इन लाइन विद द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और हर साल इसको रीसेट कर दिया जाएगा इन लाइन विद द SC SS। ऑलराइट, एंड दिस रिटर्न विल बी पेएबल मंथली फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 10 years, बिकॉज ये जो स्कीम है इसका जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 10 years, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर विल अप्रूव एन एनुअल रीसेट रेट ऑफ रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ऑलराइट, हर फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में जो एनुअल रीसेट रेट ऑफ रिटर्न है उसको अनाउंस कर दिया जाएगा बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसमें जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लाइबिलिटी है इट इज जस्ट लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट रिटर्न जनरेटेड बाय द LIC एंड द गारंटीड रिटर्न ऑफ 7.40% पर एनम इनिशियली फॉर द ईयर 2021 एंड देयर आफ्टर इट इज टू बी रीसेट एवरी ईयर। ऑलराइट, सो बेसिकली है ये कि ये जो स्कीम है इसको इंप्लीमेंट करने का काम LIC के पास है, तो जो भी पैसा जो सीनियर सिटीजन है वो इन्वेस्ट करेंगे उसको LIC आगे जाके कहीं म्यूचुअल फंड्स में या किसी और फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, उससे जो रिटर्न आएगा, ऑलराइट, अगर मान लीजिए कि वो 7.4% पर एनम से कम रिटर्न आया तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ऑलराइट, बिकॉज गवर्नमेंट को आगे कितना पे करना है 7.4% पर एनम। ऑलराइट, बट अगर मान लो कि जहां पे LIC ने इन्वेस्ट किया वहां से 6.4% पर एनम का उनको रिटर्न आया, तो जो गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी वो डिफरेंस होगा कितना, 1% का, यानी कि गवर्नमेंट को 1% का जो पेमेंट होगा वो अपने खाते से अपने अकाउंट से देना पड़ेगा। राइट, एंड द मैनेजिंग एक्सपेंसेस आर कैप्ड एट 0.5% ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 0.3% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट 9 years। अगले 9 सालों तक के लिए 0.3% पर एनम होगा, लेकिन पहले साल के लिए इट इज 0.5% ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। राइट, एंड नाउ मिनिमम पेंशन जो है इसमें वो है 1000 rupees पर मंथ एंड मैक्सिमम पेंशन अ पर्सन कैन गेट इज ₹9250 पर मंथ। और जो मिनिमम परचेज प्राइस है वो कैसे है, अगर कोई पर्सन ईयरली अमाउंट पे करता है, राइट, इफ अ पर्सन पेज ईयरली अमाउंट ही हैज टू पे दिस मच अमाउंट विच इज 1,56,658 फॉर गेटिंग ₹12,000 पर एनम, बट इफ अ पर्सन पेज मंथली इंस्टॉलमेंट ही हैज टू पे ₹1,62,162 इन टोटल 12 मंथ्स फॉर गेटिंग ₹1,000 पर मंथ। ऑलराइट, सो अगर कोई पर्सन ईयरली अमाउंट पे करता है तो उसको थोड़ा सा कम पे करना पड़ेगा एज कंपेयर टू द मंथली अमाउंट। ओके,
एंड मैक्सिमम परचेज प्राइस जो है गाइस इसका वो ये है कि अगर कोई पर्सन एनुअली पे करता है, एनुअली खरीदता है सिक्योरिटीज, तो ही हैज टू पे ₹14,49,086 विच इज अप्रोक्सीमेटली 40,50,000 टू गेट ₹1,11,000 पर एनम. बट इफ अ पर्सन पेज मंथली, ही हैज टू पे ₹15,00,000 टू गेट ₹9,250 पर मंथ. ऑलराइट, सो मिनिमम पेंशन इज 1,000 पर मंथ एंड मैक्सिमम पेंशन इज ₹9,250 पर मंथ. एंड नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. और इसमें जो एज क्राइटेरिया है ये केवल सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी 60 ईयर्स एज है या फिर उससे ज्यादा है. टेन्योर गाइस इसका 10 साल का है. एंड दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड थ्रू LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. और जो इसमें मोड ऑफ पेंशन पेमेंट्स है दैट आर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली. एंड अदर देन दिस इसके अंदर प्री मेच्योर विड्रॉल भी अलाउड है इन केस द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनल और क्रिटिकल इलनेस ऑफ द पर्सन और द स्पाउस. राइट, अगर वो पर्सन को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है या फिर उसके स्पाउस की तबियत खराब हो जाती है, इन दैट केस प्री मेच्योर विड्रॉल जो है वो अलाउड होता है. एंड ऑन सच प्री मेच्योर एग्जिट 98% ऑफ द परचेज प्राइस शैल बी रिफंडेड. उसका जो परचेज प्राइस का 98% है उसको रिफंड कर दिया जाएगा. एंड देर इज अ लोन फैसिलिटी ऑल्सो विच इज अवेलेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 policy years. 3 साल के बाद लोन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है. एंड द मैक्सिमम लोन दैट कैन बी ग्रांटेड दैट विल बी 75% ऑफ द परचेज प्राइस. ओके, मैक्सिमम लोन कितना ले सकता है कोई भी पर्सन? 75% ऑफ द परचेज प्राइस. अदर देन दिस, दिस स्कीम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द GST. एंड इफ द पेंशनर सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 years, परचेज प्राइस ऑफ द एन्युटी अलॉन्ग विद फाइनल पेंशन इंस्टॉलमेंट विल बी पेबल टू द पॉलिसी होल्डर. बट इफ द पेंशनर डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 years, द परचेज प्राइस ऑफ द एन्युटी विल बी रिफंडेड टू द बेनिफिशियरी. बेनिफिशियरी को वापस दे दिया जाएगा, जो भी नॉमिनी होगा उसको वापस कर दिए जाएंगे इफ द पेंशनर डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 years. राइट, सो गाइज दिस वॉज अबाउट द प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एंड जो भी उसके अंदर एक्सटेंशन की गई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन नंबर 1 वॉज वी हैव टू फिल द गैप. राइट, सो वी हैव टू फिल दिस गैप. सो द स्कीम वॉज टू बी डिसकंटिन्यूड इन मार्च दिस ईयर बट हैज बीन जस्ट एक्सटेंडेड टू डैश. ओके, सो इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023. सो देयरफॉर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज Which of the following is not correct about the rate of interest provided in this scheme? So option A is initially an assured rate of return of 7.4% per annum for financial year 21 will be provided. Yes, this is absolutely correct. Earlier it was 8% and earlier the rate of interest was fixed at 7% per annum. No guys, this is incorrect. So this must be the correct answer to this question because earlier rate of interest jo tha, that was what? 8% per annum. Okay. So option B will be the correct answer. Now question number 3. Consider the statements with respect to the above mentioned schemes in the passage and identify the incorrect statement. We have to find the incorrect statement again. So statement number 1 is in the revised scheme minimum pension is 1000 per month and maximum pension is 9250 per month. Yes, this is absolutely correct. It is being implemented through LIC. Yes, this is also correct. Premature withdrawal is permitted only for the illness reason. Yes. और उसमें 98% ऑफ द परचेज प्राइस जो है वो रिफंड हो जाता है. एंड स्टेटमेंट 4 इज इट वॉज लॉन्च इन 2018 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नो गाइज, इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2017. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑप्शन बी, ओनली 4. ओनली 4th स्टेटमेंट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस स्कीम. राइट, सो आई होप आपको प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की जो एक्सटेंशन है और जो स्कीम है वो क्लियर है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 गाइज इज The Sri Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology in collaboration with Agape Diagnostics Limited has commercially launched a kit for detection of COVID-19 which reduce the nation's dependence on imported kits and will bring down the cost of COVID-19 testing. So we have to tell the name of the kit. Right, so now let us discuss about this. So ये एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है श्री चित्र तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी. उसने कोलैबोरेशन किया है अगापे डायग्नोस्टिक लिमिटेड के साथ एंड एक किट लॉन्च की है जिसका नाम है गाइस अगापे चित्रा मैग्ना किट. ऑलराइट, द नेम ऑफ द किट इज अगापे चित्रा मैग्ना किट. ओके, एंड दिस इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड एम बिहाइंड दिस इज
कि जो हमारा डिपेंडेंस है ऑन द इम्पोर्ट, राइट, जो भी हम किट जो है वो क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इससे होगा ये कि जो हमारा इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है गाइस वो कम हो जाएगा, राइट। सो दिस इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड आरएन एक्सट्रैक्शन किट वुड रिड्यूस द नेशंस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड किट्स विच आर एक्सपेंसिव एंड दिस विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ कोविड 19 टेस्टिंग एंड अदर देन दिस किट इज अ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बेस्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन किट and what it does, it isolates RNA from the patient sample using the magnetic nanoparticles and उसके बाद उसके RNA को test कर लिया जाएगा easily, alright, and इसको launch करने की need क्या है, आज के date में क्या जरूरत है, so it is very easy to answer कि आज इसको क्या जरूरत है इसकी, because we all know COVID-19 जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हमारे देश में भी काफी फैल रहा है, so need of the day is that it is estimated that India would require about 8 lakh RNA extraction kits per month during नेक्स्ट सिक्स मंथ, अगले छह महीने के लिए हमारे देश को 8 लाख आर एन एक्सट्रैक्शन किट चाहिए होंगी पर मंथ। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगापे चित्रा मैग्ना आर एन आइसोलेशन किट को लॉन्च किया गया है जिसका प्राइस केवल 150 रुपीज है एंड दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द कंट्रीज डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड किट विच कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज, जिसकी कॉस्ट कितनी है गाइस 300 रुपए की है, और अभी जो हमारा ये किट है ये केवल 150 रुपए का है, तो हाफ प्राइस पे हमें ये हमारे देश में अवेल कराया जाएगा, राइट। और अगापे डायग्नोस्टिक हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3 लाख किट्स पर मंथ, ओके। सो दिस वाज अबाउट दिस किट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, वी हैव टू टेल द नेम ऑफ द किट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन डी, अगापे चित्रा मैग्ना किट, ऑलराइट, अगापे चित्रा मैग्ना किट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन फॉर एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड 19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम, which of the following is not correct about the fund provided in phase wise, so world bank has approved $1 billion for accelerating india's covid 19 social protection response program and isse pehle bhi india world bank ne $1 billion ka support already provide karaya tha in the month of april, so in total world bank ne covid 19 ke liye india ko $2 billion ka loan de diya hai, okay, and the aim behind this loan is to support india's efforts at providing social assistance to the poor and vulnerable households which are severely impacted by the COVID-19, okay, and ये जो loan दिया गया है ये phase wise दिया जाएगा, so in the first phase there will be allocation of $750 million and this will be for the fiscal year 2020 and this amount $750 million will be implemented through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to benefit vulnerable groups particularly migrants and informal workers and in the second phase the rest $250 million will be provided and for the fiscal year 2021 which would deepen the social protection package, okay, social protection package ko wo kya karega, deepen karega aur zyada support provide karayega, $250 million ka second tranche, alright, so this was about the world bank support, now let's move on to the question, so we have to find the statement which is not correct, okay, so option A is in first phase an immediate allocation of $750 million will be provided, yes this is for the fiscal year 2020 and option B is first phase is for fiscal year 2020, yes this is absolutely correct, in second phase $250 million second tranche will be made available, yes correct, first phase assistance will support people through the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, yes this is absolutely correct, so hamara jo answer hai wo option E hona chahiye, option E is second phase is for 2022 onwards, no guys this is incorrect statement, this is for the fiscal year 2021, so therefore the correct answer to this question is what, ऑप्शन ई, सेकेंड फेज इज फॉर 2022 ऑनवर्ड्स, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, राइट, सो ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, ओके, सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, आई होप यू लाइक इट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फॉर मोर अपडेट्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।